بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك بدر एक ऐसा मार्का लश्कर इस्लाम बदर में आया, 313 सहाबा उनके अमीर हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, आका सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सहाबा ने ऊंची जगह पे अपने कुएं खोदे, रसूलल्लाह के हुक्म से बाकी सारे कुएं बंद कर दिए गए। गर्ज जब कुफार मक्का वहाँ पहुँचे, उन्होंने नीची जगह पे अपने कुएं खोदे, मुसलमानों का पानी उस तरफ मुंतकिल हो गया। अब शैतान आया, उसने आकर मुसलमानों को कहने लगा, अगर तुम हक पर होते तो ये ना होता जो कुछ हो रहा है। इस्लामी लश्कर बदर में आया, सूरह इन्फाल में आया, जब तुमको यानी घेर लिया, इस तरह तुम पर आसमान से पानी उतारा गया, नींद आई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एक आरिश मुबारक एक टीले पे बनाई गई, जहां आका इस पे खड़े हो गए। 17 रमज़ानुल मुबारक को साफ बंदी की गई, उससे पहले दिन अल्लाह के महबूब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गैबदान नबी ने अपना आसा मुबारक अपने हाथ में लिया। तारीख के अवराक इस बात के शाहिद हैं, हदीस रसूलल्लाह इस बात की शाहिद है, जान कायनात नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ बदर के मैदान का चक्कर लगाते हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने आसा मुबारक से निशान लगाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कल यहाँ पे अबू जाल मारा जाएगा, कल यहाँ पे उतबा कत्ल होगा, कल यहाँ पे फलां काफर का ये अंजाम होगा, कल यहाँ पे फलां काफर का ये अंजाम होगा। मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे उस मैदान का चक्कर लगाने के बाद तशरीफ़ लाते हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम सुबह इरशाद फरमाते हैं, सफ़ें दुरुस्त की जाए। जब सफ़ें सीधी की जाती हैं, हज़रत स्वाद बिन अज़िया ये हुज़ूर के एक सहाबी थे, उनका पेट बड़ा हुआ था, वो भी साफ में खड़े थे, उनका पेट बाहर निकला हुआ था, ताइदारे अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में कमान मुबारक थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक को उससे पीछे हटने का कहते कि साफ सीधी करो। और जब सवाद के पास आए और आपने उसके पेट पे हल्की सी ज़रब लगाई और उस सहाबी रसूल ने उस आशिक़ रसूल ने ये अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे तकलीफ़ हुई है, मैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं इसका कसास लूँगा, बदला लूँगा। अल्लाह के महबूब ने यह अरशाद नहीं फरमाया कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और तू कौन होता है, बल्कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़रा मुबारक खोली, अस्वद भाग कर आगे आया, ताहिदारे अरब अजम नूर मुजस्सम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकम मुबारक पे बोसा दिया और जिस्म मुबारक को चूम कर मैदान कार साज में साफ में खड़ा हो गया। रसूलल्लाह ने पूछा, बताओ ये क्या किया? कहने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं दुआ करता था कि आज अगर मैं आपके जिस्म को छू लूँ, मैदान जंग में है, हो सकता है मैं शहीद हो जाऊँ, मेरी हसरत दिल में रह जाती या रसूलल्लाह, मगर अल्लाह ने सबब पैदा किया, आपने जब मुझे ये
ठोकर लगाई तो मेरे दिल में ये सूझी कि किसी तरह मुझे अब मौका मिल गया, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को चूम लूँ। यह सहाबा का अकीदा था कि रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक को छू लिया जाए तो अल्लाह उसको भी जहन्नम में नहीं जलाता। उतबा कहने लगा, ये जो लोग आए हैं सुबह सफ़े बांधे खड़े हैं, उसने कहा ये नज़र तो 350 आता है, मगर मुझे एक चीज़ नज़र आई है कि ये यहाँ मरने के लिए आए हैं, ये वापस जाने के लिए नहीं आए। बेहतर यही है कि हम इनसे जंग ना करें, हम यहाँ से वापस चले जाएं। इधर ताजदार मदीना हाथ उठाए दुआ फरमा रहे हैं, ऐ अल्लाह आज तू उस वादे को पूरा फरमा जो वादा तूने मुझसे फरमाया था। या अल्लाह आज मुसलमानों की इस मुट्ठी बार जमात को फतह से नवाज दे। या अल्लाह अगर आज ये शिकस्त खा गए तो फिर क़यामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। इधर हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा के हाथ उठे थे, उधर जंग बदर से पहले फारूक आज़म के ग़ुलाम हज़रत मजमा यानी ये शहीद हुए, हज़रत आरसा शहीद हुए, ये वो आरसा हैं, इनकी वालदा हजूर के पास जंग के बाद हाज़र हुई। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आरसा कहाँ है? अल्लाह के महबूब से सवाल करती हैं, महबूब बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसका अकीदा था कि मेरे आका जानते हैं, ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबियात का अकीदा था कि अल्लाह के महबूब जानते हैं इस वक्त हरसा कहाँ हैं। अल्लाह के महबूब मुकर्रम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा, आपने इरशाद फरमाया हरसा इस वक्त जन्नत में है, आरसा जन्नत में तैर रहा है, आरसा इस वक्त ऊरों के जुर्मट में है, यानी फरमाया मेरा जन्नत के आला बेटा जन्नत के आला मुकाम पे है। ये हजूर की नगाह करम थी, देखते थे कि वहाँ उनका गुलाम जन्नत के कौन से मकाम पे है। ये नगाह मुस्तफ़ा थी जिसने जन्नत को देखा, सिर्फ एक नहीं 8 जंतु को देखा और उसमें आला मकाम वाली जन्नत को भी देख लिया। और हजूर ने फरमाया हरसा इस वक्त आला जन्नत में मौजूद है। और कुरान कहता है ना, याद करो जब तुम फरियाद कर रहे थे अल्लाह ने फरिश्तों की फौज तुम्हारी मदद के लिए भेजी बदर के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामिया सईदा ज़ैनब बराए तुलबा व तलबात इलाक तंजीम और मदारस अहल सुन्नत पाकिस्तान एक रजिस्टर्ड अदारा जिसमें दीनी दुनियावी तालीम का बेहतरीन इंतज़ाम है। जामिया सईदा ज़ैनब की अमारत जेर तामीर है जिसमें आपके अतियात सदकात ज़कात की अशद ज़रूरत है। आए इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आखरत का सामान मुहैया करें। शुक्रिया। उमिया बिन खलफ जो हज़रत बलाल पर जुल्म किया करता था, फिर एक वक्त आया हज़रत बलाल ने उसको जब कत्ल किया, वो बलाल जो मजबूर थे, जो बेकस थे, जो बेहाल थे, जब से नबी की ग़ुलामी का पट्टा अपने गले में डाला, फिर होता मकाम बलाल को क्या मिलता है कि हज़रत बलाल हजूर के आगे नेज़ा पकड़ कर और बड़े टहल टहल के बड़े अजीब अंदाज में चला करते थे। वो बॉडीगार्ड का यानी फ़राइज सर अंजाम देते थे। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ फरमाते हैं, मैं खड़ा था, मेरे नज़दीक दाएं और बाएं दो बच्चे थे, दो नौउम्र बच्चे, और मैंने सोचा कि आज कोई मेरे दाएं बाएं कोई बहुत पहलवान होता, मगर ये क्या कि ये तो दो छोटे छोटे बच्चे हैं। वो दोनों बच्चे पूछते हैं, चचा अबू जाल को आप जानते हैं? उन्होंने कहा, जी उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? कहने लगे, हमने सुना है वो हमारे आका हमारे मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देता है, आज हम उससे इंतकाम लेंगे, आज हम उसको कत्ल करेंगे। और फिर जब उन दोनों को बताया गया वो अबू जाल है, वो अबू जाल के पास पहुँचे, अबू जाल झुरमट में खड़ा था, वो दोनों टांगों के नीचे से घुसते हुए अंदर गए और जाकर उन दोनों ने तलवार के वार करके उसको कत्ल कर दिया। फिर जब ताजदार अरबाज़म
नूर मुजस्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, फिदा का अबी व उम्मी या रसूलल्लाह, मेरे हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाएं। या रसूलल्लाह, हमने अबू जहल को कत्ल कर दिया, मेरे और आपके आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने उनसे अरशाद फरमाया, ज़रा अपनी तलवारें तो बताओ, उनको साफ़ तो नहीं किया। उन्होंने कहा, हमने साफ़ नहीं किया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तलवारें ज़रा सामने तो करो। जब तलवारें सामने की, आका ने खून को देखा, इरशाद फरमाया, अबू जहल कत्ल हो गया, ये मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगाह है कि अगर काफ़र का खून भी देखें उसको पहचान लेते हैं। और ये किस तरह हो सकता है कि जो नबी का ग़ुलाम हो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हो तो आका उसको ना जानते हों। हज़रत आकाशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलवार टूट गई, वो हुज़ूर के पास आते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी तलवार टूट गई। हुज़ूर ने एक लकड़ी उठाई, अता फरमाई, वो तलवार बन गई। और फिर आकाशा जब तक ज़िंदा रहे वो तलवार उनके पास मौजूद रही। ये हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मौजज़ा था कि कायनात में सब नबियों को मौजज़े अता किए, नबी को मौजज़ा बना के भेजा। और सलमा बिन अस हुज़ूर के खजूर की टहनी उससे तलवार बन गई। अल्लाह ने 3,000 फरिश्ते भेजे, इस जंग में 14 सहाबा शहीद हुए और कुफार के 70 अशकाज कत्ल हो गए, इतने कैदी बना दिए गए। जो इन कफार की लाशें जब कुएं में फेंकी गई और जब कुएं में डाली जा रही थी, ताइदारे अरब अजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया कि सब की लाशें उठाओ, उठाने के बाद उनको कुएं में डाल दो। और फिर आका मंदिर पर तशरीफ़ फरमा हुए, कुएं के ऊपर खड़े होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह इरशाद फरमाया, अबू जहल में ना कहता था कि तुम्हारा ये अंजाम होगा, उतबा में ना कहता था तुम्हारा ये अंजाम होगा। और फिर सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कफ़ार क्या सुनते हैं? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तुमसे ज़्यादा बेहतर सुनते हैं। यानी हुज़ूर ने लोगों को आने वाले वक्त के लिए क़यामत तक सबको बता दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी हों वो भी आवाज़ सुनते हैं। तो जो नबी का ग़ुलाम हो, जो गौसे आज़म हो, जो दाता अली अजवेरी हो, जो अली मुश्किल कशा हो, जो सैयदना सदीक़ अकबर हो, जो फारूक आज़म हो, जो उस्मान गनी हो, जो फातिमा तो ज़ारा हो, जो हसनैन करीमैन हो, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन हो, तो अगर उनको पकारा जाए तो ये किस तरह हो सकता है वो नहीं सुनते। जो लोग ये अकीदा रखते हैं कि वो सुनते नहीं, उनके वाकया ही नहीं सुनते होंगे। हमारे आका ने तो ये इरशाद फरमाया कि मरने वाला जिंदों से ज़्यादा बेहतर सुनता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि आका दो जहां नूर मुजस्म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको ये बताया कि तुम्हारा अंजाम मैंने पहले देखा था, तुम्हें मैंने पहले कहा था। और उसके बाद अल्लाह के महबूब मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सब वो 70 अशकार जो कैदी थे उनको पेश किया गया, हर एक सहाबी ने मशवरा दिया, किसी ने कहा इसको कत्ल कर दो, सदीक़ अकबर ने कहा इनसे फ़िदिया लिया जाए और इनको छोड़ दिया जाए। हुज़ूर ने इसको पसंद फरमाया और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह इरशाद फरमाया कि फ़िदिया दो, आज़ाद हो जाओ, जिसके पास फ़िदिया ना हो वो मुसलमानों के 10-10 बच्चों को यानी तालीम दे, उनको पढ़ाए, यानी आने वाले लोगों को बता दिया, इक़रा बिस्मी रब्बिकल्लज़ी खलक, जो लेकर मैं कलाम आया था, यानी जो पढ़ने का जो मकाम लेकर आया था वो हर एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है। और हज़रत अब्बास से कहा, चचा आप भी 4,000 दिरहम अदा फरमाएं। उनने कहा कि मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं, मेरे पास 4,000 दिरहम तो नहीं है। ताजदार अरब अजम नूर मुजस्म मोहम्मद मुस्तफ़ा उस गैबदान नबी ने इरशाद फरमाया, चचा वो जो चची के साथ मिलकर आपने सोना दफन किया था, क्या वो 4,000 से ज़्यादा नहीं? उस वक्त अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आपके बारे में तारीख के अंदर आता है कि आपने उसी वक्त ये मान लिया कि जो जिनकी शख्सियत ये है कि जिनकी इतनी आला ज़र्फ़ी है कि आप यहाँ से बैठकर मक्का में देख सकते हैं, तो फिर उन पर ईमान लाने में क्या हर्ज है। उससे पहले भी तारीख के अंदर आता है कि हज़रत अब्बास हर मौका पे ताइदार अरब अजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद फरमाते थे। और 3 दिन बाद बदर से
मदीना तैयबा की तरफ रवाना हुए और इस्लाम का वो मार्का था जिसमें मुसलमानों ने वो फतह हासिल की कि तारीख में इसकी कोई इतनी बड़ी मिसाल नहीं मिल सकती कि 313 मुसलमानों ने 1000 के करीब इन्हें कुफार को शिकस्त दी, 70 को मार दिया, 70 कैदी बना लिए, फरिश्तों की फौजें उनके लिए मदद के लिए आई, अल्लाह ताला ने उनको फतह और नुसरत से नवाजा। ये पहला इस्लाम का मार्का था जिसमें हादी बरहक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी इस मार्का के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिपा सलार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग का वो मार्का लड़ा कि जिसमें कुफार को शिकस्त हुई, मुसलमानों को फतह नसीब हुई और इसमें आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए एक और सबक भी छोड़ा कि अगर काफर भी मर जाए, अगर काफर भी कत्ल हो जाए, उसकी लाश की बेहरमती नहीं करनी चाहिए बल्कि उसको उठाकर यानी उसको किसी जगह महफूज जगह पर डाल देना चाहिए। आज अपने आप से मुसलमानियत का दावा करने वाले वो अशखास जो मुल्क और मिल्लत जो मुसलमानों का वकार मजरू करने वाले वो दरिंदे जो पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं, मुसलमानों में ब्लास्टिंग कर रहे हैं, मुसलमानों को तातेक कर रहे हैं, मुसलमानों के खून बहा रहे हैं और फिर लाशों की बेहरमती इस अंदाज में करते हैं कि अगर कोई फौजी पकड़ा जाए, कोई पाक आर्मी का बंदा पकड़ा जाए, उसको पकड़ कर उसकी जो बेहरमती करते हैं और फिर शाम के अंदर जो कुछ हो रहा है, फिर इसके अलावा कश्मीर के अंदर तो गैर मुस्लिम करते हैं जो अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले जो एक तरफ ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह की मापा जपने वाले हर वक्त विर्द करने वाले वो कभी मुसलमानों पर कोई जुल्म करते हैं, कभी कोई जुल्म करते हैं, मुसलमानों के इसके साथ ज्यादतियाँ करते हैं, मुसलमानों की अमला को नुकसान पहुँचाते हैं, मुसलमानों की लाशों की बेहरमती करते हैं। कभी किसी सहाबी की लाश की बेहरमती की जाती है, कभी किसी सहाबी की कब्र से निकाल कर उसकी लाश की बेहरमती की जाती है। तो ये कैसे मुसलमान हैं जो अपने आप को तो मुसलमान कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, असल बात यह है कि मुसलमान ये नहीं बल्कि ये मुसलमानों की शक्ल में दरिंदे हैं जो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करते हैं। तायदार अरब आजम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले मार्के के अंदर ये लोगों को सिखा दिया कि अगर काफर से भी तुम्हारी जंग हो, अगर काफर से भी तुम्हारा किसी वक्त आमना सामना हो, अगर काफर तुम्हारे हाथों से मर जाए तो उसको यानी उसकी लाश की बेहरमती मत करो बल्कि उसको उठाओ अच्छे तरीके से, उसको भी एक महफूज जगह पे रखो। और फिर जो बेगुनाह मुसलमानों को आज कत्ल किया जाता है, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ऐसे शर पसंद अनासर से बचाए। ये मुल्क, ये मिल्लत, ये पाकिस्तान हमारे आबा अजदाद ने बड़ी मोहब्बत से, बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से इसको हासिल किया। तारीख की अवराक कभी नहीं भूलेंगे कि इतनी बड़ी यानी लोगों के लोगों का इधर उधर होना, 10 लाख से ज़्यादा लोग माजर हुए जिन्होंने घर बार छोड़े, 50,000 औरतों ने असमत यानी उनकी असमत वरी की गई और उन्होंने अपनी असमत पेश की यानी उनको ज़बरदस्ती उनके साथ ज्यादती हुई। इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से लोग कत्ल हुए, लोगों के घर बार तबाह हुए और ये मुल्क अहले सुन्नत वाह जमात के उन अकाबर उलमा, उस वक्त के पीर जमात अली शाह, उस वक्त के बड़े बड़े उलमा ने मिलकर यानी इस मुल्क को हासिल करने के लिए कायद आज़म अल्लाह रहमत का साथ दिया। आज हमें इसी रमज़ान के हवाले से, इसी 17 रमज़ान मुबारक यानी जिसमें जंग बदर हुआ, इसी महीने में अल्लाह ने 27 रमज़ान को हमें पाकिस्तान अता किया जिस पाकिस्तान की हमें कदर नहीं। आओ मिल के हम ये दुआ करें, मेरे मालिक शहदाए करबला के सदका, मेरे मालिक वहाँ जो 14 शहदा थे उनका सदका, मेरे मालिक नबी के नालेन पाक का सदका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे वद्दुहा का सदका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वल्लैल वाली जुल्फों का सदका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज मुतहरात का सदका, जनाब प्यारी बेटी फातिमा तुज़्ज़ारा सलामुल्लाह अलैहि का चादर तत्हीर का सदका, मेरे मालिक इस मुल्क को अमन का गवारा बना, इस मुल्क को अमन का गवारा बना, इस मुल्क को अमन का गवारा बना। अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा हम इस मुल्क की हफाजत कर सकें, वो शहदाए बदर की तरह आज हम भी इस्लाम का यानी बोल बाला कर सकें। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो, रब ताला हमें सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह
अगले प्रोग्राम में हम बाबुल इलम हैदर करार असदुल्लाह गालिब इमाम मशारिक वल मगारिब हज़रत अली करमल्ला वजहू के बारे में, यानी आपकी शहादत भी 21 रमज़ान को है उसके बारे में कुछ अर्ज़ करेंगे। अल्लाह ताला हमें इनकी गुलामी अता फरमाए। 10 न्यूज़ और मरहबा रमज़ान का यह प्रोग्राम इंशाअल्लाह जारी और सारी रहेगा। दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के हाल पे रहम और करम फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।